नमस्कार, VCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में गुरु गोरखनाथ की तोप भूमि गोरगिरी में मौजूद जड़ी बूटियों के अकूत भंडार का सर्वेक्षण करने लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का एक 3 सदस्यीय दल महोबा पहुंचा और पूरे पहाड़ का भ्रमण कर औषधियों पौधों का अवलोकन किया व उनके नमूने इकट्ठा किए। उनके साथ बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर व पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राम सेवक चौरसिया भी मौजूद रहे। जनपद महोबा में गुरु गोरखनाथ की तोप भूमि गोरखिरी में मौजूद जड़ी बूटियों के अकूत भंडार का सर्वेक्षण करके लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का एक 3 सदस्यीय दल महोबा पहुंचा और पूरे पहाड़ का भ्रमण कर औषधीय पौधों का अवलोकन किया व उनके नमूने इकट्ठे किए। आपको बता दें कि डॉक्टर कृष्णा कुमार रावत के नेतृत्व में आए वैज्ञानिकों के दल में डॉक्टर विजय विष्णु बाग व डॉक्टर प्रभु कुमार ने बताया कि गोरखगिरी में संजीवनी गुड़माल जैसी सैकड़ों प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। इनको न केवल संरक्षित करने की आवश्यकता है बल्कि उन पर शोध करने की जरूरत है। हम लोगों ने करीब 2 दर्जन पौधों के नमूने इकट्ठे किए हैं जिनका लखनऊ ले जाकर परीक्षण करेंगे। गोरखगिरी में जगह जगह फैली गंदगी व पॉलिथीन इन पौधों के लिए बड़ा खतरा है। NBRI के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम सेवक चौरसिया ने बताया कि गोरखगिरी में इससे पूर्व 2 बार जड़ी बूटियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण हो चुका है। सबसे पहले 1981 में यहाँ 146 दुर्लभ जड़ी बूटियाँ चिन्हित की गई थी। उसके बाद 1991 में यहाँ 105 जड़ी बूटियाँ चिन्हित की गई। उसके बाद यहाँ कभी सर्वेक्षण नहीं हुआ। बुंदेली समाज संयोजक तारा पाटकर ने बताया कि उनके कई बार मांग करने के बाद अब वैज्ञानिकों का दल यहाँ आया है। गोरखगिरी में संजीवनी वाटिका भी बनी है ताकि इसे शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। हम पिछले 2 दिनों से यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने काफी ही महत्वपूर्ण वनस्पतियों को यहाँ पे पाया है, जैसे कि हम जिसको गुड़मार बोलते हैं और यहाँ पे जंगली प्याज। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि अगर हम और सर्वे करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ मिलेगी और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही औषधीय वनस्पति का भंडार है। तो यहाँ पे मतलब इस काम की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ का पूरा एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से स्टडी करने की ज़रूरत है जिससे हमें पता चलेगा कि यह पर्वत पे कितनी सारी ऐसी औषधीय वनस्पतियाँ हैं जो कि हमारे पूर्वज बहुत टाइम से इसको उपयोग में ला रहे हैं। जी, 3 सदस्यीय टीम हम लोग आए हुए हैं BA CSR NBRI लखनऊ से। इनफैक्ट यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि गोरखगिरी जो पर्वत है ये, इसके जो भी ये पूरा एरिया है इसका एक कुछ सर्वे करवाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था, तो उसी का एक प्राथमिक सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा कि जिला प्रशासन की महत्वाकांक्षा है कि इस एरिया में जो भी औषधीय पौधे हैं और ये सब चीज़ें हैं, पौधे जितनी भी यहाँ की पादप संपदा है, उसका एक सर्वेक्षण हो, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी ये प्राथमिक स्तर का सर्वेक्षण है कि यहाँ पर कितनी संभावनाएं हैं इस तरह के एक प्रयास को, जिसको कि किया सके। तो मुख्य तौर पर ये जिला प्रशासन का और यहाँ के स्थानीय लोगों का प्रयास है जिसमें हम लोगों से अनुरोध किया गया है, तो हम लोग अपना जो भी यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। BCN न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गांव आरसोनी में बकरा ईद के असर पर इस्लाम धर्म के प्रतीक चिन्ह इला आला कुतवा व तारे जैसे शब्द एक बकरे के पेट कान और पीठ पर अंकित पाए गए, जिसकी गांव के मौलानों ने भी पुष्टि की है और गांव में बकरे को देखने के लिए हुजूम लगा हुआ है, जिस कारण इस बकरे को दूर दूर से मुस्लिम समाज के लोग देखने आ रहे हैं और बोली लगा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इशरत अली। कहाँ के रहने वाले हो? आरसोनी। अच्छा, ये जो आपके बकरे पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो पेट पे सीधी साइड में तो है कुतवा लिखा हुआ। अच्छा। और गले पे लल्ला लिखा हुआ है। अच्छा। और दूसरी साइड में लल्ला लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है अल्लाह। जी जी। और क्या खूबी है इसके अंदर? और दूसरी साइड में अल्लाह लिखा हुआ है इस साइड में। अच्छा। ये तारा बना हुआ है। और एक पीछे उल्टी साइड में जी जी तारा बना हुआ है। अच्छा, कितने दिन से पाल रहे हो तुम मुझे? बचपन से पाल रहे हैं जी, हमारे घर पर पैदा हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम इस्माइल है जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम सरूपुर के रहने वाले जी। सरूपुर के? जी हाँ। और ये बकरा किस जगह है? ये बकरा चैनी में है जी। अच्छा, तो इस बकरे में जी क्या खूबी है ये बताइए आप। इस बकरे में एक तो लल्ला लिखा हुआ है जी, और एक इसमें कुतबा लिखा हुआ है। अच्छा, ये कुदरत ही लिखा हुआ है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है? अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है, ये बचपन से ही ऐसा है।
अच्छा, और इस पे तारा भी बना हुआ है। जी जी जी, इस पे काफ़ी लोग देखने भी आए हैं इसको। हाँ, और काफ़ी काफ़ी पैसे भी लगा गए हैं। हाँ, लेकिन हमारे दोस्त हैं, इनका अभी तक मन नहीं था बेचने का। जी, ये के बकराईद पे बेचा। जी जी जी, तो अब बकराईद का समय आ रहा है, तो इस हमारे ये अपना लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन अब बेचने का मन बना रहे हैं। अच्छा जी जी जी, तो कितनी उम्र होगी इस बकरे की? इसकी उम्र लगभग 1.5 साल। अच्छा अच्छा जी, तो ये घर पे पाला गया है? हाँ जी, घर पे पाला गया है, बचपन से ही बकरी भी है इसकी, यही है। अच्छा, बुंदेलखंड में सरकार द्वारा करोड़ रुपए की घर घर पानी योजना लागू करने जैसी कई नई योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बावजूद भी आज बुंदेलखंड के कई इलाके ऐसे भी है जहां लोग पानी का एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, जिसकी एक बांगी हमीरपुर में दिखाई दे रही है, जहां 15 दिनों से पानी न मिलने से नाराज लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में खाली मिट्टी के घड़े लेकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी कि जल्द से जल्द पानी की किल्लत से निजात दिलाया जाए। मामला हमीरपुर मुख्यालय के काजियाना मोहल्ले का है, जहां पर नलकूप ऑपरेटर की लापरवाही के चलते 15 दिन से पानी की सप्लाई न मिलने से बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं। पानी के लिए लोगों को मोहल्ले में लगे हैंडपंप में लाइन लगाकर पानी भरना पड़ता है। परेशान लोगों ने खाली घड़े लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए नलकूप ऑपरेटर के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हुए जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाने की मांग की। पानी को गए तो कह रहे हैं कि जाओ अपना अप्लीकेशन लगाओ, जहाँ हम कोई ठेका नहीं लें, नहीं हमको पैसा दे तो हम पानी खोलेंगे, कोई हमसे वहीं जाओ डीएम, जिस डीएम कहीं जहाँ तुमको लगाना वो एप्लीकेशन जहाँ लगा दीजिए, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम पानी नहीं खोलेंगे, खोलते तो हाँ जाता नहीं तो क्या है, अगर ना खोलेंगी तो क्या करोगे, जाओ अप्लीकेशन। 3 महीने से पानी आपको नहीं जा रहा, जब बाल्टी खाड़ जाता है तो बाल्टी खाड़ में क्या होता है, उधर जहाँ ट्यूब वेल है उधर जाते तो नहाते तो कह रहे हैं हमारी छिटकी ना आया चाहिए, हमको भरने नहीं दे रहे हैं, हमको नहाने नहीं दे रहे हैं, जहाँ ट्यूब वेल लगा है तो अब उधर नहाने जाते हैं तो वो लोग बाल्टी भी फेंक देती है मुसलमानन के। हम जिला अधिकारी महोदय हमीरपुर के यहाँ अपनी जन समस्या को लेकर कि 3 माह से मोहल्ला कजियाना यमुना घाट शहर हमीरपुर सदर हमीरपुर में पानी नहीं आ रहा नलों में, ट्यूबवेल ऑपरेटर मुस्लिम हैं, सभी हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम की वजह से ऑपरेटर पूरी क्षमता से ट्यूबवेल नहीं खोलता है, पानी नहीं पहुंचाता, पानी पहुंचाने के एवज में 300 रुपये प्रति घर रुपए मांगता है, अगर रुपए नहीं देगा तो कहता पानी पी लेना, पानी चले जाना, जहां जाना हो डीएम सीएम जहां जाना हो चले जाना, मेरा कोई ना कुछ उखाड़ पाएगा। इसके पहले आपने कहाँ से कहा? इसके पहले एक्सियन एडीएम एसडीएम कोई नहीं बचा, डीएम सबको दे चुके, हर महीने 15 दिन में एप्लीकेशन देते हैं। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं बिहार की खबरों की ओर। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज और अधिकारियों के साथ कचहरी स्थित वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण करने पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से ईवीएम के रखरखाव और वेयरहाउस में रखे ईवीएम के विषयों में जानकारी हासिल की। हम आपको बता दें कि इसी वर्ष बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग से जरूरत के मुताबिक ईवीएम मशीन की मांग की थी, लेकिन पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन उपलब्ध नहीं होने पर सरपंच और पंच का चुनाव अब बैलेट पेपर से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम मशीन से होगा। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़।